मैं लाइफ में जब बहुत डिप्रेस था, एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ का जिस फेज के बारे में मैंने कई बार बात की और आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों को शायद उसके बारे में पता भी चलेगा। आप लोग नीट का पेपर दे चुके होंगे, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो बिल्कुल होगे। तो आपको उस फेज के बारे में मेरे पता चलेगा जिस फेज में मैंने लाइफ का अपना सबसे टफ टाइम फेस किया और कैसे निकला वहां से, सिर्फ और सिर्फ फोकस शिफ्ट करके। फोकस शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फोकस शिफ्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई चीज खराब चल रही या तो उसमें घुसे रहो या तो फोकस शिफ्ट करो। अब इधर क्या होता है, इधर चीज कचरा होती है, जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे है, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है, घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा, इलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने, स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, उन मालिक या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, बाइक धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार कर कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपये जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊँ, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है, थी सिचुएशन। लड़े उससे, गए कोचिंग उस दिन, कोचिंग किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहाँ पर जाके उसी एनर्जी से उसी तैयारी से पढ़ा। तो कचरा होती हैं चीज़ें, और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। सर 30 दिन में नीट निकल जाएगा, अगर नहीं प्रिपरेशन है तो कैसे निकलेगा बच्चा। हाँ पर 30 दिन में अपन 600 पहुंच सकते हैं, 500 पहुंच सकते हैं, मे भी 500 550 तो हिट करेंगे। मेरे अभी 100 आ रहे हैं, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी, फोकस गलत जगह पे अपनी फोकस है कि यार चीजें बहुत खराब है, अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन लें जिससे ये चीज 1% इंप्रूव हो जाएगी, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% हो गया, जब वो 50% पे पहुंच गया उसका 1% 5%। तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा, मैथ समझो इसके अंदर। अगर किसी भी इंसान की जर्नी देखो, मैं अगर अपनी ही जर्नी देखूं तो इनिशियल जर्नी ना किसी भी इंसान की, जब भी टफ सिचुएशन होती है ना लाइफ की, जैसे आपके पास 30 दिन बचे हैं, तो अगर आप आज से भी अपनी जान लगाना स्टार्ट कर दोगे, देखो हमको पता है इस एंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, आपको भी पता है, हमको भी, दिल में हम सबको पता है, बस होता क्या है कि हमें किसी के ऊपर अपने जीवन के ब्लेम डाल लें। तो हम ब्लेम किस पे डाल देंगे, हम ब्लेम डाल देंगे मूविंग वाली एथर्मोमीटर पे, सवाल नहीं आएगा पेपर में, हम ब्लेम डाल देंगे ये नहीं पढ़ा था, और आया तो एक सवाल आया फिर भी हम ब्लेम डाल देंगे कि ये 4 नंबर होते तो मैं सेलेक्ट होता, ये सेमीकंडक्टर ब्लेम डाल सकते हैं अपन, है ना। तो प्रॉब्लम इस एंड पे ज्यादा नहीं है, हमको भी पता है आपको भी पता है, प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है। तो जब भी ना कोई भी चीज का, ऐसे मान लो आपकी आपकी सक्सेस को अगर हम देखें, है ना, और आपके हार्डवर्क का अगर हम ग्राफ देखें, सक्सेस वर्सेस हार्डवर्क, तो बड़ा ही अजीब सा ग्राफ है जो हमने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया। पता नहीं इसके लिए जो फैशनेबल यूट्यूबर्स हैं वो कैसे समझाते हैं इसको, भाई हम तो फिजिक्स के टीचर हैं ऐसे ही समझा पाएंगे। तो सक्सेस और हार्डवर्क का जो ग्राफ है ना वो बहुत अजीब सा है, वो ग्राफ यूं चलता है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस ग्राफ में, मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं इस ग्राफ में, यहां पे इस जगह पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर जाते हैं और ग्राफ यूं उठता है। स्टार्टिंग में आप इतनी हार्डवर्क डालोगे और आपको कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रहा, और बाद में आपने इतनी हार्डवर्क डाली, ये इंप्रूवमेंट है ना, जिसका डीवाई बाई डीएक्स से बढ़ रहा है ना, इसकी जो स्लोप है वो बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसकी स्लोप देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये रेट ऑफ चेंज कितनी तेज। तो अभी हो सकता हो अगले 30 दिन के अंदर आप आज जान लगाने की सोचो और आपके मन में आ ही रहा हो, इम्पॉसिबल। पिछले 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था, 3 साल से, ये साल भी गया, इम्पॉसिबल टू क्रैक नीट फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट, इट्स द थिंग कि आप अभी इस फेज को झेलना नहीं चाहते और इसको झेले बिना ये फेज नहीं आएगा, ये फेज आपको निकालना पड़ेगा। शायद इनिशियल 3 से 4 दिन आपकी ये फेज वाले, 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन, मैजिक इज गोइंग टू हैपन। देयर वाज अ टाइम आई केप्ट पोस्टिंग, मैं अपनी स्टोरीज हमेशा सुनाता हूँ कि आप रिलेट करोगे कहीं ना कहीं, हमारी आपकी कहानी सिमिलर है, आप उस एग्जाम को चेस कर रहे हो, मैं अपने किसी और ड्रीम को चेस कर रहा था उस टाइम पे। मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था, छोटे छोटे मीम्स बनाता था, आप आज भी देख करो, physicswala.com था वो,
अब उस पेज को शायद चेंज करके इन लोग ने फिजिक्स वाला अलग पांडे कर दिया, इन लोग मतलब टीम ने फिजिक्स वाला अलग पांडे, फिजिक्स वाला WALA नॉट वल्ला, फिजिक्स वाला WALA.com, वहाँ मीम्स डालता था मैं, है ना, कुछ भी छोटे छोटे मीम्स डाल दिए, ब्लैक बॉडी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉर्फियस की फोटो डाल दी किसी एक है मतलब मैट्रिक्स मूवी, वहाँ से छोटी चीज़ें करता रहता था इस तरह की, अलग अलग मीम्स ट्राई कर रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, कोई मीम नहीं हिट हो रहा था, कुछ नहीं बात बन रही थी, पर रोज डाल रहा था। एक दिन एक मीम हिट हो गया, एक दिन एक मीम पे 200 के ऊपर कमेंट आ गए, एंड बैक देन इन 2015 और 16, 2015-16 किसी एक फेसबुक पेज पे मेरे जैसे इंसान के लिए 200 कमेंट और सब आंसर्स बता रहे थे क्वेश्चन के, वो दैट वाज द पोस्ट, अब मेरे को आज भी याद है, सेव मिस्टर फिजिक्स वाला, उसमें फिजिक्स वाला बिल्डिंग की छत से कूदता है, उसके हाथ में एक टैब होता है सैमसंग का, क्योंकि मेरे पास एक टैब था जिससे मैं पढ़ाता था बच्चों को, है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन लेके जाता था वहीं से लिखता था बोर्ड, 7,000 का टैब था, ऐसा बहुत महंगा भी, तो वो था कि उसके हाथ में टैब है, वो कैसे बचे, नीचे कांटे हैं, तो अपने टैब को इधर फेंकेगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टैब को इधर फेंकेगा, खुद इधर चला जाएगा, HC वर्मा का सवाल है एक्चुअल में, तो पद्मश्री HC वर्मा सर है ना, तो उनकी किताब का सवाल था, उसको मैंने ऐसा फॉर्म किया, वो मीम हिट हो गया। क्या वो मीम 2015-16 में हिट हुआ तो क्या मैं हिट हो गया? नहीं, उसके बाद फिर एक स्ट्रगल था। तो कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाता है कि यस मैजिक इज गोइंग टू हैपन इफ यू कीप ऑन पुटिंग हार्ड वर्क। ये तो मैं YouTube जर्नी की बात भी नहीं किया, आज आपको एक Facebook पेज की मैंने कहानी सुना दी, उसके बाद सारे पोस्ट हिट हुए, नहीं फिर फ्लॉप हो गए, उसके बाद के पोस्ट फिर फ्लॉप होने लगे, फिर मैं लेके आया सेव मिस्टर फिजिक्स वाला Part 2, वो भी फ्लॉप हो गया, बट पहले पार्ट से मुझे लगा कि यस रोज हार्डवर्क करने से। तो आप इस फेज में हो अभी, ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन 14 से 15 घंटे की मेहनत, आपको दिख जाएगा मैजिक इज गोइंग टू हैपन। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम अगेन, थोड़ी सी मैंने आपको कोशिश की मोटिवेट करने की, थोड़ी सी आपको लेसन देने के अपने लाइफ से, ठीक है, जो भी मोटिवेशनल लेसन मेरे पास लाइफ में है।